मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने अपना चुनावी अभियान तेज करते हुए सुंदरनगर की ग्राम पंचायत चमुखा, बरतो, सलवान और न्यू बीबीएमबी कॉलोनी में धुआंधार प्रचार किया। आश्रय शर्मा के साथ पूर्व विधायक सुंदरनगर सोहनलाल ठाकुर भी मौजूद थे। जगह जगह लोग आश्रय के स्वागत में मालाएं लिए इंतजार करते दिखे। इस मौके पर आश्रय शर्मा ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पद्दर तहसील में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आश्रय शर्मा आजकल मुख्यमंत्री और सांसद से कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगे हैं। आश्रय ने कहा कि वे टैक्स भरते हैं, एक आम इंसान की तरह चुनाव में मतदान करते हैं, तो एक नागरिक का फर्ज है कि वे अपने चुने हुए नुमाइंदों से सवाल करें। उन्होंने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करे। आश्रय शर्मा ने कहा कि मौजूदा सांसद के पास उनके सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए वे मुख्यमंत्री की आड़ लेकर मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले कुछ बयान दिया था कि बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं हैरान हूँ उनके इस बयान पे, क्योंकि ये जो अधिकार है संविधान का दिया हुआ अधिकार है मेरे को, मैं प्रत्याशीवाद में हूँ। पहले मैंने विधानसभा के चुनाव में भी वोट दिया है और मैंने पार्लियामेंट के चुनाव में भी वोट दिया है और मैं टैक्स भरता हूँ, तो मेरा अधिकार ये संविधान का अधिकार है मेरे को दिया हुआ, मेरे को ये नहीं बल्कि हर प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया हुआ है कि जो जनता के प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं उनसे मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। परंतु आज मैं जानता हूँ कि इनके पास मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं है, और जो हमारे यहाँ पे पूर्व में सांसद रहे राम स्वरूप शर्मा जी, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की आड़ में छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से पहली बार तो मैंने कोई प्रश्न पूछा नहीं, मैंने तो पूछा सांसद महोदय से, और अगर मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा तो कोई उसमें अपराध नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके जवाबदेही बनती है प्रत्येक नागरिक जो हिमाचल का है, और अगर हम कोई सवाल पूछ रहे हैं और अगर आप उसका नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल पूछने पे ही रोक लगा दें। तो ये जो है हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है, इसकी यही खूबी है कि हमारे को सवाल पूछने की अधिकार है। आज हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो हमको कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है कि हम सवाल उठा सकें। अगर ऐसे अधिकारों का क्या फायदा रहा है अगर हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि और हमारे जो सांसद हैं वो ये नकार दें कि हम प्रश्न बहुत पूछ रहे हैं इसलिए हम जवाब नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत बात है। तो थोड़ा युवा पीढ़ी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु युवा वर्ग जो है वो डरने ना धमकने वाला है, ना उनको फर्क पड़ता है, वो जो है बेपाक हम अपने प्रश्न पूछेंगे, और आपको जवाब देना है तो आप दीजिए, आपको नहीं देना है तो आप ना दीजिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 25 तारीख को होने जा रहे उनके नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विधायक विक्रमादित्य सिंह, प्रभारी रजनी पाटिल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा, उनके दादा पंडित सुखराम सहित अनेकों कांग्रेसी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। ऐसा है कि दूर दराज के हूँ, क्या जाते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र, बड़े दूर दराज के इलाके हैं इसमें शामिल है, तो हमने दूर दराज के इलाकों को नहीं यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि बड़ी कठिनाई होती है उनको आने जाने में, ठहरने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमने जो हमारा आसपास का क्षेत्र है और जो संभव लोग आ सकते हैं उनको हमने बोला है कि अगर आप समय निकाल के एक दिन के लिए आएंगे कांग्रेस पार्टी हर साल के लिए, तो सभी ने इसमें सहमति बरती है, और बड़े शीर्ष नेता केंद्र से भी आनंद शर्मा जी और हमारे जो इंचार्ज है रजनी पाटिल जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, उनके सपुत्र विक्रमादित्य जी, बहुत गणमान्य व्यक्ति जितने हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी उसमें शिरकत करेंगे, और एक बहुत अच्छा जलसा होने वाला है जहाँ तक मेरे को पूरा इसका विश्वास है। पोल स्टार हिमाचल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।